हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूँ संदीप गौतम, आप लोग देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टेक फॉर VI। सो गाइस, लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चल गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बताएंगे हैशटैग कैसे लगाते हैं, ठीक है। हैशटैग में क्या करते हैं और हैशटैग कैसे लगाने चाहिए, ठीक है, जो प्रॉपरली मस्त तरीके से, और हैशटैग क्यों लगाते हैं और हैशटैग का क्या क्या फ़ायदा है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में आज की वीडियो में। तो चलिए गाइस, हम जानते हैं वीडियो की, हम बढ़ते हैं वीडियो की। और सो गाइस, सबसे पहले हम हैशटैग का फ़ायदा जानते हैं कि हैशटैग लगाने से क्या होता है। सो गाइस, हैशटैग जो लगाने से ये फ़ायदा होता है, आपकी वीडियो सर्चिंग में जाती है, ठीक है। आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, अपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगा रहे हैं, टाइटल भी अच्छे से। गाइस, आप डिस्क्रिप्शन में टैग हैशटैग जो होते हैं उनको भी मस्त करके लगाइए, जिससे कि आपकी वीडियो रैंकिंग में जाए, सर्चिंग में जाए। ओके, सो तो चलिए गाइस, हाँ तो गाइस, हम बता देते हैं आपको हैशटैग का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे स्क्रीन को ऑफ करके रखवा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ओरली ही बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस, हैशटैग से क्या फ़ायदा होता है, हैशटैग से वीडियो आपकी सर्चिंग में जाती है, ठीक है। वीडियो अगर सर्चिंग में जाएगी तो सीधी बात है, आपकी वीडियोस पे जो है व्यूज़ आएंगे, ओके। और व्यूज़ आएंगे तो चैनल तो आपको सब्सक्राइब होना ही होना है, ओके। अब डिपेंड करता है कि आप लोग हैशटैग लगाते हैं। स्वाइप अप ब्लू एंड रेड फ्रॉम क्रोम सिस्टम लॉन्चर, कौन कर लिया है, प्रेस ट्वाइस टू एक्टिवेट, प्रेस ट्वाइस एंड होल्ड द लॉन्ग प्रेस। हाँ ठीक है, तो आप डिपेंड करता है कि आप लोग हैशटैग लगाते ही कैसे हैं, ओके। गाइस, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा हैशटैग लगाने से मतलब कैसे लगाते हैं हैशटैग, ठीक है। जो लोग वीडियो के बारे में जानते हैं वो लोग स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहते हैं, ठीक है। तो अब हैशटैग में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। हैशटैग आपको कैसे लगाने चाहिए, हैशटैग आपके ऐसे आने चाहिए जैसे कि आपने कोई टैग लिखा, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि हमने बनाया इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI का पार्ट 4। आजकल इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI जो उसका जो पार्ट 4 है उसमें अच्छे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आप सपोर्टिंग कर रहे हैं वीडियोस को, ओके। सो गाइस, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह इस वीडियो में इस ऐप के बारे में जान सकें। प्रेस ट्वाइस टू एक्टिवेट, प्रेस ट्वाइस एंड होल्ड द लॉन्ग प्रेस, ओके। तो जो लोग जान सकें, ठीक है। और इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन को यूज कीजिए, और फीडबैक है तो कोई वहाँ पे ज़रूर भेजिए। तो चलिए गाइस, बताते हैं। अब जैसे कि हमने वीडियो बनाया हाउ टू यूज इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI, ठीक है, एप्लीकेशन। तो अब आपको हैशटैग देने कैसे हैं, ठीक है। हैशटैग तो आपने दे दिए, ठीक है। हैशटैग में देखो, हैशटैग में आपको जो भी देना है, मतलब आप एप्लीकेशन से रिलेटेड हैशटैग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हैशटैग न्यू एप्लीकेशन, हैशटैग एक्सेसिबल एप्लीकेशन, ओके। या फिर आप टैग लगा सकते, मतलब टैग आपको जो भी अच्छी लगे, है ना। और आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो अपने टैग हैं वो वहाँ से, मतलब इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI एप्लीकेशन जो है, ओके, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको रैपिड टैग यूट्यूबर का भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ओके, प्रेस ट्वाइस टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, टू एंड रेड होम बटन, एक्सेसिबिलिटी, प्रेस ट्वाइस टू एक्टिवेट। हाँ,
ठीक है, तो वो आपको एप्लीकेशन में आपको मिलेगा रैपिड टैग, ठीक है, यूट्यूबर करके, वहाँ से आप टैग जनरेट कीजिए, ठीक है, और आप हैशटैग दे सकते हैं, हैशटैग एक्सेसिबल एप्लीकेशन, हैशटैग न्यू एप्लीकेशन, हैशटैग नाम एप्लीकेशन का, ठीक है, हैशटैग यूजिंग बाय इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI, ठीक है, मतलब आप हैशटैग दे सकते हैं अच्छे तरीके से, जो भी मस्त हैशटैग है वो दीजिए, तब की वीडियो रैंकिंग पे जाएगी। ओके, अब आपने हैशटैग लिखे, ठीक है, ये पहले ही बता देता हूँ, ये बेसिक यूज़रों के लिए वीडियो है, एडवांस तो खैर इसके बारे में सभी जानते होंगे, ठीक है। तो अब वो हैशटैग जब हम लगाते हैं तो एक्चुअली हमने वॉइस इनपुट से जो है सब कुछ टाइपिंग किया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वॉइस टाइपिंग से ही करते हैं, ठीक है। तो अब जो आपने टैग लिखा वो बीच में स्पेस आ गया, ठीक है, अब जो बीच में स्पेस आया है वो स्पेस आपको हटाना है, कहने का मतलब आपका कोई भी अगर टैग है तो आप अपने टैग में कोई भी स्पेस मत देना गाइस, ठीक है, आप अपने टैग में स्पेस मत देना। मैंने स्क्रीन को यहाँ पर ऑफ कर दिया है, ठीक है, तो सब लोग जानते सुने है ना, क्योंकि मैं कुछ दिखा नहीं रहा स्क्रीन पर, इसलिए मैंने स्क्रीन को ऑफ किया हुआ है, ठीक है। सो गाइस स्पेस कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमने लिखा हाउ टू यूज इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI, ठीक है, ये टैग नहीं, ये टाइटल है, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो हाउ टू यूज है ना, हाउ टू, तो हाउ और टू के बीच में स्पेस आ जाता है, हाउ स्पेस टू, ठीक है, तो जो हाउ और स्पेस टू है ना, तो टू और हाउ के बीच में जो स्पेस है उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, स्पेस को आपको डिलीट करना है, ठीक है, स्पेस को डिलीट करना है, फिर आप आगे चलेंगे हाउ टू, वो ठीक है, हो गया। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा, वो आप वीडियो में बने रहिए, बीच में एक चीज़ और आपको इसमें मतलब ऐड करना है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, पहले ये आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। तो हाउ टू लिखा, अभी हाउ टू यूज़, अब यूज़ के बीच में भी स्पेस है आपका, तो उस स्पेस को अभी आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, अब आपको उसको स्पेस को डिलीट कर देना है, जैसे आपका लिख गया, अब हो गया हाउ टू यूज़, हाउ टू यूज़ हो गया, तीनों एक साथ हो गया। अब आपको लिखना हाउ टू यूज़ होगा, अब इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI एप्लीकेशन, इतना बड़ा टैग तो खैर लगाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक बार एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं आपको, आपको हर टैग के, जैसे कि आपको पता ही है हैशटैग आप जितने भी लगाते हैं हर टैग के बीच में स्पेस आ जाता है अगर आप वॉइस इनपुट से लगाते हैं, ठीक है। अब आपको हैशटैग लगाने कैसे चाहिए, ठीक है, हैश पहले आप अपने जो भी मतलब पहले आपको हैश बटन लगाना है, सॉरी हैश का निशान लगाना है, जैसे कि आप जब सिंबल में जाएंगे तो सिंबल में आपको हैश बटन मतलब हैश देखने के लिए मिलता है, जिसकी हैश पे क्लिक मतलब हैश लगा देंगे, उसके बाद अपना टैग लिखें, ठीक है, हैश टैग आपको लिखना है, मतलब हैश लिखना है, केवल आपको टैग नहीं लिखना है, हैश लिखना है, उसके बाद आपका वो टैग जो है वो लिखना है, जो भी आपका टैग है यानी कि जो आप बताना चाहते हैं हैश टैग में वो लिखना है। लिखने के बाद आपको ये चीज़ उसमें देखनी है, जिसकी आपको लिखना, जैसे आपने लिखा हाउ मतलब इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, अपने हैशटैग में एग्जांपल के तौर पर अपने हैशटैग में लगाया इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI न्यू एप्लीकेशन, तो आपको क्या है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के बीच में आपको स्पेस आ जाएगा, जो इंटरेस्टिंग टैग और इंटरेस्टिंग और टैग के बीच में एक स्पेस आ जाएगा अगर आप वॉइस इनपुट से करते हैं, ठीक है, बस कि आप नॉर्मली लिखेंगे तो आपको नहीं आएंगे ये स्पेस वगैरह, ठीक है, लेकिन आजकल लोग वॉइस इनपुट का ज़्यादा यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको वॉइस इनपुट का यहाँ पे कारण दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्पेस को पहले डिलीट कर देना है, इंटरेस्टिंग और टैग के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को आपको डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद इंटरेस्टिंग टैग एक हो जाएगा, उसके बाद इंटरेस्टिंग टैग के बाद इंटरेस्टिंग टैग फोर, ठीक है, टैग के बाद में भी स्पेस है उसको भी डिलीट करना है, फोर हो जाएगा, ठीक है, फोर के बाद में स्पेस है उसको डिलीट करना है, VI हो जाएगा। अब आप इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI, ठीक है, उसके बाद स्पेस आएगा डिलीट करेंगे, उसके बाद न्यू हो जाएगा, उसके बाद स्पेस को डिलीट करेंगे और एप्लीकेशन आपका हो जाएगा, तो फुल्ली जो आपको पूरा है वो इंटरेस्टिंग टैग फॉर VI न्यू एप्लीकेशन हैशटैग बन गया। अब गाइस जब हैशटैग लगाते हैं तो प्रॉब्लम ये यहाँ पे ये भी आती है कि जब हैशटैग हम जब बीच में स्पेस होता है तो स्पेस की वजह से वो अच्छे से रीड करता है, ठीक है, लेकिन जब आप स्पेस को हटा देते हैं तो वो थोड़ा अजीब सा रीड कर रहा है। अब आपको उसकी प्रॉब्लम बताते हैं कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसकी प्रॉब्लम को हटाना है सिंपली आपको जैसे आप स्पेस को हटाएंगे तो स्पेस को हटाने के बाद जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट रुकिए गाइस, मैं अपनी स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ। स्वाइप अप टू अनरेड फ्रॉम क्रोम सिस्टम लॉन्चर, अभी यहाँ पे मैं आपको प्रेस ट्वाइस टू मैसेजिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेटर वर्ड्स पैराग्राफ्स मोड वर्ड्स प
लेटर मोड कर लिया, इनके कैरेक्टर मोड आ गया। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये एक मिनट को ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे वर्ड मोड कर लिया। ठीक है, आप लाइन मोड कर लीजिए। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका होम, ये आपका हैशटैग है। ठीक है, एग्जांपल ही दे रहा हूँ गाइस, ये हैशटैग है। ठीक है, होम और फोन सिस्टम लॉन्चर, ये फोन है। फोन, ठीक है, क्लीनर 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 फोन फोन, अब ये फोन है और ये क्लीनर क्लीनर है। क्लीनर, ठीक है, अब आपके क्लीनर और फोन के बीच में यहाँ पे एक स्पेस भी है। आपको यहाँ पे मैं स्पेस का भी उदाहरण दूंगा, कैसे आपको डिलीट करना है। ठीक है, और आपको मैं ये भी उदाहरण दूंगा किस तरीके से आपको वो जो प्रॉब्लम के हटा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कैरेक्टर मोड पे ले देता हूँ इसको। ठीक है, लेटर मोड, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एक मिनट, वर्ड्स मोड क्लीनर क्लीनर क्लीनर, तो लेटर मोड, लेटर मोड आ गया। अब जो क्लीनर है कैपिटल पी, तो कैप, एक मिनट, ये फोन है कैपिटल आर ई एन, answer click selected india plus no ek art mode 10 minute stop it to tell guys actually meri call aa gayi thi hai na to three home messaging phone okay press twice to active letter mode words mode phone theek hai to main aapko letter mode ye yahan pe dekho capital p capital p cap r e N A E L capital C sharp E R H O N E capital E S S A G I N G capital A H capital C Charlie capital H R O M E cap T T capital S E default mode phone. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। प्रेस लेटर मोड, जैसे कि ये आपके सभी कैरेक्टर हैं। ठीक है, e x e e e cap e e capital m mic, ठीक है, तो डिफॉल्ट मोड फोन मैसेजिंग फोन फोन पर प्रेस ट्वाइस टू एक्टिवेट, प्रेस ट्वाइस एंड होल्ड द लॉन्ग प्रेस, तो ये वर्ड हो गया। ठीक है, लेटर मोड डिफॉल्ट मोड, ठीक है, क्लीनर, अब ये क्लीनर rest, phone, ये फोन है क्लीनर, और ये क्लीनर है। press twice to activate, press twice and hold the long press, एक मिनट, हाँ, तो क्लीनर और फोन के बीच में जो कैरेक्टर है, देखिए जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, ये क्लीनर और फोन है और फोन के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, पहले उस स्पेस को डिलीट करना है। अब जो जो क्लीनर है, ठीक है, तो जो क्लीनर है, तो क्लीनर का पहला वर्ड क्या है, देखो सी है, उस पर वहाँ पे क्लीनर का जो सी वर्ड है उसको कैपिटल में ले लेना है। ठीक है, शिफ्ट कैपिटल में ले लेना है, शिफ्ट इनेबल जहाँ पे बोलता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको ले लेना है। ठीक है, तो जो उसका पहला अक्षर है ना, उसको आप कैपिटल में ले लो, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। ठीक है, कैपिटल में ले लो, तो जो अजीब सा रीड कर रहा है वो अच्छे से रीड करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप जैसे अपने हैशटैग लगाया ब्लाइंड यूजर्स, तो अगर ब्लाइंड यूजर्स के बीच में अगर आप स्पेस हटा देंगे तो वहाँ पे क्या बोलेगा, ब्लाइंड यूजर्स ब्लाइंड यूजर्स। ठीक है, इस तरीके से, तो वो बीच में जो स्पेस अगर आप वहाँ पे डिलीट करते हैं तो आपको जो है वहाँ जो इस पर जहाँ से आप स्पेस हटा दें और जो उसका जो लास्ट वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर वो कैपिटल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, तो आपको जो रीड अच्छे से ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया cleaner. आपको हैशटैग कैसे ठीक है ये हो गया आपका हैशटैग कैसे लगाना है। ठीक है, और हैशटैग के क्या फ़ायदे हैं, हैशटैग सर्चिंग में वीडियो को लेके आता है। ठीक है, और हैशटैग कैसे लगाते हैं सब ये मैंने आपको बता ही दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी आपको अच्छे से ही लगाना चाहिए। ठीक है,
तो गाइस हम लोग आज की वीडियो में से इतना ही जानेंगे, ठीक है। अगर आपको हैशटैग प्रॉपरली लगा के जानी है तो मैंने खाली एग्जांपल दिया था, अगर आपको प्रॉपरली जानना है हैशटैग कैसे लगाते हैं, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल आएगी, ठीक है। सो गाइस फिलहाल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।